बचपन से ही शिव को लेकर उनमें बहुत अधिक उत्साह और जोश था। बस 25 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था और उन्हें लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं, मगर अपने जीवन पर उनका अधिकार नहीं था, इसलिए वो मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने कई बार अपने जमींदार से प्रार्थना की, सिर्फ एक दिन के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं मंदिर जाकर वापस लौट आऊंगा। जमींदार हमेशा कहता, आज निराई करनी है, कल खाद डालना है, परसों कोई और काम है, तुम्हें जमीन जोतना है। नहीं, तुम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है, तुम वैसे ही किसी काम के नहीं हो, तुम एक पूरा दिन बर्बाद करना चाहते हो? उसने कई बार अपनी बात समझाने की कोशिश की। उसके अंदर यह भाव गहरा होता गया। वो हर हाल में शिव के दर्शन करना चाहता था। इस बार वो जमींदार के सामने एक अलग तरह के गौरव के साथ जाकर खड़ा हो गया, जिस तरह का गौरव एक बंधुआ मजदूर जानता ही नहीं, न ही उसके पास होने की उम्मीद की जाती है। जमींदार फिर शुरू हो गया, मूर्ख कहीं के, पिछली बार तुम्हारी माँ बीमार थी, उससे पहले बहन की शादी थी, उससे पहले तुम्हारी दादी 3 बार मरी, अब तुम मंदिर जाना चाहते हो? ये नहीं हो सकता। उसने कहा, मैं आज ही सारा काम कर दूंगा, कल सिर्फ एक दिन के लिए जाने दीजिए, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा। फिर किसी एक पल में जमींदार ने इस व्यक्ति के अंदर इस नए गौरव, उसके अंदर स्पंदित हो रही नई ऊर्जा के सामने झुक कर कहा, ठीक है, जाओ, शाम से पहले वापस आ जाना। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो बोला, जाने से पहले तुम्हें पूरे 40 एकड़ जमीन को जोतना होगा। अभी शाम है, सुबह से पहले तुम जुताई पूरी करके फिर मंदिर जा सकते हो। वो इतना मूर्ख नहीं था कि इसकी कोशिश भी करता। वो चुपचाप सोने चला गया। उसका पूरा शरीर स्पंदित हो रहा था। वो जानता था कि उसे मंदिर जाना ही है, नतीजा चाहे जो भी हो। एक नई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। सुबह जब वो उठा तो गांव में हंगामा मचा हुआ था। क्या हो गया? सारी 40 एकड़ जमीन जुती हुई थी। उसने बाहर आकर देखा, उसे यकीन नहीं हुआ। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार के बीवी बच्चे आकर उसके पैरों पर गिर पड़े। उस शख्स का नाम हम नहीं जानते, आमतौर पर उसे हलवाहा कहा जाता है। उसे यकीन नहीं हुआ, फिर वो जान गए। वो हमेशा सोचता था कि शिव के सामने प्रार्थना करके वो प्रकृति के नियमों को तोड़ सकता है, वो प्रकृति के नियमों को बदल सकता है, मगर मनुष्य के नियम इतने क्रूर हैं कि आप कभी उन्हें बदल नहीं सकते। मगर यहां मनुष्य और देवता और प्रकृति सभी के नियम टूट गए थे। अचानक लोगों ने आकर उसके हाथों में चांदी के सिक्के रखे, किसी ने उसके हाथ में भोजन रख दिया, किसी ने उसे छड़ी पकड़ा दी और कहा, ये मंदिर जा रहा है, ईश्वर ने इसे चुना है। शिव ने खुद आकर 40 एकड़ जमीन जोत दी। आनंद से भरे दिल के साथ वो मंदिर गया, मगर एक अछूत के रूप में जीवन जीने के कारण वो भूला नहीं था कि वो मंदिर की देहरी पार नहीं कर सकता। वो वहीं खड़ा रहा। निश्चित रूप से लोग उसे मंदिर में नहीं घुसने देते। वो जानता था कि लोग नियमों को नहीं तोड़ेंगे, और वैसे भी वो सिर्फ एक बार शिव के दर्शन करना चाहता था। बड़ा सा नंदी जो रास्ते में बैठा था, वो नंदी एक ओर खिसक गया। बाद में लोग उसे नंदनार बुलाने लगे और वो एक प्रसिद्ध संत बन गया। कोई उसका नाम नहीं जानता क्योंकि उसे सिर्फ हलवाहे के रूप में जाना जाता था, मगर उसका पूरा जीवन बस इसी चीज पर टिका था। आप उसे भक्त भी नहीं कह सकते, वो बस कौतूहल में था और उसने कभी कौतूहल को जाने नहीं दिया। ज्यादातर तार्किक दिमागों की यह समस्या होती है कि अगर कोई चीज आपको कौतूहल में डालती है तो आप उसकी एक मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके उसे वहीं नष्ट कर डालते हैं। अधिकांश दिमाग कौतूहल के साथ जीने में असमर्थ होते हैं। वो आज ही उसका एक मूर्खतापूर्ण जवाब चाहते हैं और रात को सोने से पहले ही वो निष्कर्ष भी निकाल लेंगे, अरे ये ऐसा है, वो वैसा है। इस धरती के हर मूर्ख को लगता है कि वो एक वैज्ञानिक है क्योंकि उसने स्कूल में कोई पुस्तक पढ़ ली है। ये बेकार पुस्तक किसी काम की नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति अब इन मूर्खतापूर्ण चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ इतना कुछ है, हर कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब नहीं है। आपके पास इन सवालों का जवाब देने के लिए बुद्धि या उपाय नहीं है, इसे स्वीकार करें। वही एक ईमानदार इंसान होता है जो जानता है कि उसे उत्तर नहीं पता। वो एक ईमानदार इंसान है जो एक मूर्खतापूर्ण तार्किक जवाब खोज लेता है। वो एक मूर्ख इंसान है, मगर उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। बस इसी चीज की जरूरत है, आपको बस इस कौतूहल के साथ जीना है। अगर आपके दिल में भक्ति है तो बहुत बढ़िया है, अगर दिल में भक्ति नहीं है
आपका दिमाग आपको परेशान करता है तो बस कौतूहल बनाए रखिए, बस इसी की जरूरत है।